शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे गुट अफजल वाहतुक सेना की ओर से महाराष्ट्र राज्य कार्य अध्यक्ष श्री इंद्रपाल सिंह मारवा सत्ती द्वारा आयोजित स्वागत समारोह में शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे गुट के विभाग 9 के विभाग प्रमुख प्रमोद शिंदे का भव्य स्वागत समारोह आयोजित किया गया, जिसमें भारी संख्या में सभी पदाधिकारी मौजूद थे और सभी ने विभाग प्रमुख प्रमोद शिंदे का स्वागत किया। इस स्वागत समारोह में शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे गुट के सभी कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें विभाग प्रमुख प्रमोद शिंदे ने सभी का मार्गदर्शन किया। इस स्वागत समारोह और मार्गदर्शन शिविर में सभी पदाधिकारी और महिला विभाग प्रमुख व सभी सदस्य मौजूद रहे, जिसमें इंद्रपाल सिंह मारवा सत्ती ने सभी का स्वागत किया, विभाग प्रमुख प्रमोद शिंदे का आभार व्यक्त किया। शिव सैनिकों के लिए चुनौती हमेशा, हम चाहते हैं कि चुनौती आए और हम सामना करें, और बाला साहब ठाकरे ने हमको साहब ने यही सिखाया है कि जब जब चुनौती आएगी, जब जब संकट आएगा, जब जब अन्याय होगा, तो उसके निवारण के लिए आगे आइए और लोगों को न्याय देने के लिए प्रयत्न करें। और अभी तो अन्याय जो हो रहा है वो पूरा देश देख रहा है, और हम इस संकट से, इस चुनौती से हम पार पड़ेंगे और हम आगे जाएंगे और लोग हमारे साथ में खड़े हैं क्योंकि एक शिंदे तो बदनाम हो चुके हैं। हम देखो, मैं विभाग प्रमुख हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं शिव सैनिक हूँ, और हम हमारी शिव सैनिकों की ताकत हमारी जो है वो लोगों के काम के लिए लगाएंगे, लोगों की सेवा के लिए लगेंगे। हम लोगों का काम करने में विश्वास रखते हैं, तो चाहे कोई राजनीति खेले, लेकिन हम राजनीति को हम नज़रअंदाज करके जो हमारा सेवा करने का हमारा धर्म है वो हम नहीं छोड़ेंगे और काम करते रहेंगे और करते हैं हम लोग। जैसे अभी आज अवजड़ वातुक सेना का यहाँ पे आज कार्यक्रम है, इंद्रपाल बारवा सस्ती नाम से यहाँ पे उन्हें पहचाना जाता है, उनकी ताकत है, और यही ताकत उद्धव साहब के साथ में खड़ी है, आदित्य साहब के साथ में खड़ी है। तो ये ओरिजिनल शिवसेना, ये डुप्लीकेट नहीं है, और लोग जानते हैं कौन डुप्लीकेट है, कौन असली है, कौन नकली है। आपने देखा रहेगा कस्बा में क्या हुआ, अगर असली के साथ आते तो जीतते थे, लेकिन नकलियों के साथ चले गए तो पराजय हो गया। ज़रूर ज़रूर ज़रूर, शिव सैनिक एक आग है, और इस आग से जिन्होंने जो जो गलत काम किया है उनको तो तकलीफ होगी होगी। शिव सैनिक खड़े हैं, और मैं कहना चाहूँगा कि शिव सैनिक तो बाद में, लेकिन पहले लोग त्रस्त है, जो हो रहा है लोगों को मंजूर नहीं है, लोग परेशान है, और लोग अपनी ताकत दिखाएंगे, और जो काम अभी है लोकशाही को बचाना है, और एक नया अभियान यहाँ पे शुरू हो गया है, और इस अभियान में लोग शिव सैनिकों का साथ देंगे, उद्धव साहब का साथ देंगे। ये जो मिलावा था शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे अवजड़ वातुक सेना की तरफ से था, इसमें जो आज के मुख्य अतिथि थे मेन, वो हमारे विभाग के प्रमुख माननीय श्री प्रमोद शिंदे साहब थे। उनके आशीर्वाद से, उनके आदेश से ये मिलावा रखा गया, और उनकी ताकत हमारे साथ, हमें बहुत गर्व है। और जैसा कि प्रमोद शिंदे साहब ने कहा कि जो शिव सैनिक है वो बाला साहब, उद्धव साहब, आदित्य सबको मानने वाले हैं, और जो 40 चोर भगोड़े वो भाग चुके हैं और ये मैदान साफ है। हम जैसे कार्यकर्ताओं को अब काम करने का बहुत मज़ा आ रहा है, हम खुल के मैदान में काम कर रहे हैं। कार्यकर्ता जो है शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे अवजड़ वातुक सेना की टीम है, आज वो 6 साल से यहाँ काम कर रहे हैं ग्राउंड लेवल पे, और हर जिले से लोग आए थे। ऊपर वाले के आशीर्वाद से हमारे जो अध्यक्ष है माननीय श्री बल साहब, उनका जो काम करने का तरीका है, शैली है, उसमें सब सीख चुके हैं। फिर भी आज जो था हमारे विभाग प्रमुख प्रमोद शिंदे जी के नेतृत्व में वो मिलावा रखा था, प्रमोद जी ने उनको, शिंदे साहब ने अच्छी अच्छी राय दी, और हमारे जो अवजड़ वातुक सेना की टीम है उस चीज़ को फॉलो करेगी, और आगे हमारे जो विभाग प्रमुख है प्रमोद शिंदे साहब, वो जो आदेश देंगे उस आदेश को इस विभाग में हम आगे बढ़ाएंगे। हमारा एक ही लक्ष्य है कि जो बाला साहब की पॉलिसी थी, शिवसेना की पॉलिसी है, 80% समाजकरण, 20% राजकरण, हम उद्धव जी के उसी आदेश पे चल रहे हैं, और हमें गर्व और एक खुशी है, एक जोश है कि हमें प्रमोद शिंदे साहब जैसा एक नेता मिला है। अब काम करने का और मज़ा आएगा। ये 19 के 19 नगर सेवक उद्धव बाला साहब ठाकरे के चुन के आएंगे, और ये पूरा भगवा लहराएगा। मैंने कोई कठिन प्रयास नहीं किया, कोई मेहनत नहीं की, ये बाला साहब, उद्धव साहब, आदित्य साहब का आशीर्वाद है, उनकी प्रेरणा है, हमारे पीछे उनका हाथ है, तो हमको जोश है। मैं नहीं, मेरे सब शिव सैनिक जितने हैं सभी को उनका आशीर्वाद है, हम लोग एक्टिव है काम करने में। जैसा हमारे शिंदे साहब ने कहा, हम तो चुनौती चाहते हैं कि चुनौती दो,
हम तो चुनौती में उतरने के लिए तैयार हैं। वो मिट्टी का घड़ा जो बनता है ना, वो तप के ही बनता है, हम उसमें से एक है। हम तपेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे, और हमको लक्ष्य मिलना चाहिए ऐसा चुनौती वाला जिससे हम लड़के आगे आए। मैंने उद्धव साहब को नहीं छोड़ा, उन्होंने मुझे नहीं छोड़ा, कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है। पर ये सब शिव सैनिक बाला साहब, उद्धव साहब, आदित्य साहब को मानते हैं, जो मैं हमेशा कहता हूँ, लास्ट टाइम फिर कह रहा हूँ, ये किसी के बाप की पार्टी नहीं है, ये उद्धव साहब और आदित्य साहब की पार्टी है और हमेशा उनकी रहेगी। देखिए, महिलाओं का पक्ष के लिए बहुत अहम कार्य होता है, क्योंकि महिला एक साथ जो कार्य करती है वो एक संगठना के लिए बहुत ही उपयुक्त ऐसा होता है। मैं कहूँगी कि महिलाएं अपने आप जुड़ रही है, महिलाएं घर बैठे बैठे सब जान रही है कि उन्हें कितनी दिक्कतें आती है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, उन्हें कितनी दिक्कतें आती है, और उसके लिए हमारे उद्धव बाला साहेब ठाकरे, उनकी जो शिवसेना, वो ही कितनी उपयुक्त है, वो बैठे बैठे जानते हैं और उनका अपने आप संगठन हो रहा है। माझी मुंबई माझं घर किंग्स माय होम सायन्स सोनाबट्टी इथे सुरू आहे। सर्वसामान्यांच्या खिशाला परवडणारी घरे आजच बुक करा, आज नाही तर कधीच नाही। 41 लाखांपासून 64 लाखांपर्यंत सर्व करा सहित। CEN News, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN News को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।